हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनस रेसिपी। आज हम मिनी डंठल अरबी के मिनी डंठल की सब्ज़ी बनाएंगे। तो आइए देखते हैं हमें कैसे बनाना है और कैसा होता है हमारा अरबी का मिनी डंठल। ये हमारे अरबी के मिनी डंठल, छोटे छोटे अरबी के डंठल ये जंगल में पाए जाते हैं। देखिए, अरबी दो टाइप्स के होते हैं, एक वाइट होता है एक ब्लैक होता है। तो हमारे दो टाइप्स के अरबी के डंठल्स हैं छोटे छोटे, तो हम इसको काट लिए। अब हम इसमें आलू भी काटेंगे, फिर हम सब्जी बनाएंगे। ये मैंने काट लिए आलू और ये अरबी के डंठल, छोटे छोटे पतले पतले हैं, ये मिनी डंठल है तो काट ली है। अब मैं इसको सब्जी बनाऊंगी। हम इस ये सूखी सब्जी बनाएंगे। मैंने पहला जो वीडियो में मैंने बनाया था वो थोड़ा ग्रेवी सब्जी था, ये मैं सूखी सब्जी बनाऊंगी आज। तो आइए बनाते हैं, शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले कढ़ाई में हमने तेल डाल ली है, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये जीरा और लाल मिर्ची साबुत। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। हमारा प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट भून गया है, अब हम सब्जी डालेंगे। अब हम ऐड करेंगे हल्दी नमक। अब मैं इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, नमक अपने स्वाद अनुसार। अब मैं इसको मिक्स कर लिया मैंने, अब कवर करूंगी और इसको लो फ्लेम में पकने दूंगी। हमने एक बार चेक कर लिया, हमारा आलू पक गया है। देखिए, आलू हमारा पक गया है। तो हम इसमें अब ऐड करेंगे चॉप्ड टमाटो, और टमाटो को पकने तक हम इसको भुनेंगे। और इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये सूखी सब्जी बन रही है। हम टमाटर को पकने तक इसको पकाते हैं। हम इसमें आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर भी डालेंगे। ये टमाटर हमारे पक गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे धनिया बारीक कटी हुई। हमारी सब्जी बन गई है, अब हम इसमें इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। ये हमारे अरबी के डंठल की सूखी सब्जी बनकर रेडी है। बहुत ही मज़ेदार कलर इसका, देखिए कितनी टेस्टी लगेगी ये खाने में भी। आप भी बनाएं, खाएं कभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।